है जी। सबसे पहले अपना नाम बताना है और आप आज मुख्यमंत्री से मिले हैं, आशीष बुटेल से मिले हैं, किन मांगों को लेकर, थोड़ा विस्तार से। धन्यवाद। सबसे पहले तो पत्रकार साथियों का आप धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया। मेरा नाम अश्विनी ढटवालिया है, मैं वोकेशनल शिक्षक वेलफेयर संघ का अध्यक्ष प्रदेशाध्यक्ष हूँ और हम अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी से मिले हैं कि हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हमारा शोषण 2013 से कंपनियों के माध्यम से किया जा रहा है, जिससे हम मुक्ति चाहते हैं। और अभी हमारा एक प्रतिनिधिमंडल आशीष बुटेल जी से भी मिला, उन्हें भी हमने अपनी मांगों से अवगत कराया है और आज ही के दिन हम अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मंत्री जी के पास जाएंगे। अभी वो बिजी हैं, जैसे हमें समय मिलता है हम उनको भी अपनी मांगों से अवगत कराएंगे और उम्मीद करते हैं कि सरकार ने हमें सकारात्मक परिणाम दिए हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो उम्मीद करते हैं कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला है। मुख्य डिमांड्स क्या थी जिसके लिए आप बोल रहे कि काफ़ी आपका शोषण भी यहाँ पर किया जा रहा है कंपनी द्वारा, आपने डिमांड मुख्यमंत्री के पास भी यहाँ पर रखी है और उनसे क्या शोषण? मुख्य मांग हमारी यही है कि हमें स्थायी नीति के अंदर लाया जाए, क्योंकि हम सरकारी स्कूलों में शिक्षा प्रदान कर रहे हैं तो हमें भी बाकी शिक्षकों की तरह उनके समान वेतन भी दिया जाए और उनके समान हमें सम्मान भी मिले स्कूलों में। तो कब से हैं आप लोग इस डिमांड को लेकर चले हुए हैं और कितने इसमें वोकेशनल जो टीचर्स हैं? 2013 से ये प्रोजेक्ट हिमाचल में चला है, तब से लेकर अभी तक लगभग 2000 हमारे व्यावसायिक शिक्षक 1100 स्कूलों सरकारी स्कूलों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अपने जो इनका शिक्षा का काम भी है, साथ में इनको फील्ड विजिट, इंडस्ट्री विजिट, गेस्ट लेक्चर, बहुत से काम होते हैं, अन्य शिक्षकों से ज़्यादा कार्य करते हैं और TGT PGT 9 से लेकर +2 तक हम अपनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें उनके समान सम्मानजनक वेतन भी मिले और स्थायी नीति के अंदर एजुकेशन डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाए। इसके लिए हमें आश्वासन मिला है कि जल्द ही कुछ आपके लिए अच्छा किया जाएगा। आपका नाम क्या है और क्या लगता है कि पिछली सरकार में भी आपने डिमांड रखी थी और फिर सब उम्मीद सरकार से क्या उम्मीद है? देखिए, मेरा नाम नीरज बंसल है और मैं व्यावसायिक शिक्षक संघ सेक्रेटरी वर्क कर रहा हूँ और मैं एक व्यावसायिक शिक्षक के रूप में जिला सोलन में कार्यरत हूँ। हमारा मेन मुद्दा यही था कि हम लोग जो हैं वो विभाग में मर्ज हों, सरकार ने हमें आश्वासन दिया है और हम लोग जो हैं इलेक्शन से पहले से ही सरकार से मिलते रहे हैं, हमने इलेक्शन से पहले ही सरकार को अपना समर्थन पूर्णतः दिया हुआ है और हम अब हमारी उम्मीदें सरकार से बढ़ गई हैं। हमें लगता है कि सरकार जल्द ही जिस तरह से हमें आश्वासन मिल रहे हैं जल्द ही इस पर कोई ना कोई विचार करेगी सरकार। पूर्व सरकार से भी आप बार बार मिलते रहे, वहां से भी आश्वासन नहीं मिलते रहे, क्या नई सरकार से उम्मीद है कि अब आश्वासन पूरा होगा? पूर्व सरकार से हमें आश्वासन मिलते रहे और काफी बार हम लोग पूर्व सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से भी हम लोग मिले, लेकिन कुछ सकारात्मक परिणाम नहीं आ पाए, लेकिन अब हमारी उम्मीदें जो है पहले के मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस बार सरकार हमारी बातों पर जो है वो विशेष संज्ञान ले। ठीक है, हम आ गया। नाम अपना नाम बताना है आपने और क्या लगता है आपको कि आपकी जो डिमांड है कितने जेन्युइन भी है और कितने टाइम से स्ट्रगल भी है? सर, मेरा नाम सुचिता शर्मा है, मैं एक वोकेशनल ट्रेनर हूँ और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी में कार्यरत हूँ पिछले 9.5 साल से, अभी 10 साल हुए नहीं है पूरे, पर 9-10 साल से अपनी पूरी तन्मयता के साथ हम सारे वोकेशनल ट्रेनर्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डिमांड्स का तो सर हमारी पूरी होनी चाहिए। मुझे ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है कि सभी बोलते हैं कि आप सेंट्रली स्पॉन्सर्ड हैं, तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है मे बी आप आउटसोर्स में ना आए, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि हम लोग अपने ही स्टेट के अपने ही बच्चों को अपने ही सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो हम भी आउटसोर्स में आते हैं। अगर आउटसोर्स के लिए नीति बनेगी तो हमारे लिए भी बननी चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब तो कुछ नहीं है इसमें, अगर स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है बट हम तो स्टेट के ही स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों सर? हमारे साथ ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए, हम भी उसी तन्मयता के साथ पढ़ा रहे हैं जैसे और आउटसोर्स वाले काम कर रहे हैं, हम भी वैसे ही काम कर रहे हैं, दिन रात अपनी एक करते हैं, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ हम लोग अपने स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी इन डिमांड्स को सीरियसली सुनेगी और पूरी करेगी। तो पिछली सरकार में काफी प्रोटेस्ट किए आपने, कुछ भी हाथ नहीं लगा, उम्मीद है इस सरकार से कि कुछ मिलेगा, वरना वही फिर आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा? हाँ जी बिल्कुल सर, वैसे कांग्रेस सरकार काफी मतलब कर्मचारियों के लिए प्रतिसकारात्मक रहती है, तो पूरी उम्मीद है कि जैसे OPS एकदम लागू हो गया है जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो हमारी भी जरूर ये रेगुलर पॉलिसी बनेगी और हमें भी डिपार्टमेंट में मर्ज किया जाएगा। थैंक यू।
अपना नाम बताना है और क्या लगता है आपको कि जो वर्क है छुट्टियाँ भी नहीं आपको लोगों को मिलती है, आप कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहे हैं और स्थायी नीति बनाने की बात कर रहे हैं, आपको भी जो यहाँ पर बनानी चाहिए क्या? जी सर नमस्कार, मेरा नाम सर मोनिका ठाकुर है और मैं अभी डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में कार्यरत हूँ। मुझे वहाँ पे 8 से 9 साल हो गए हैं सर काम करते हुए। तो 8-9 साल से सर हम एक ही सैलरी ले रहे हैं 15,000 रुपये, और सर 15,000 रुपये अब हम 2013 से लेके अभी हमारा चल रहा है 2023। सर 2023 में 15,000 में एक परिवार का गुजारा होना बहुत ही मुश्किल है। रही बात सर काम की, तो काम जिस तरह से बाकी टीचर्स काम कर रहे हैं जो कि एक स्मार्ट सैलरी लेते हैं, हम भी सर अपना पूरा 100% इनफैक्ट कहा जाए तो हम उनसे ही ज़्यादा काम जो है हमसे लिया जाता है और हम पूरा अपना 100% देते हैं सर। तो सर हमें सरकार से बिल्कुल पूरी उम्मीद है और जिस तरह से हमें आश्वासन भी मिला है सर कि हमारे लिए पॉलिसी लाई जाए सर जिसमें हमारी सैलरी भी अच्छी हो सर और हमारा फ्यूचर भी जो है अच्छा हो, तो सर इस सरकार से हमें यही बस उम्मीद है। मुख्यमंत्री से मिले तो किस तरह की बातचीत आपकी हुई है सर? मुख्यमंत्री क्या लगता है उनकी बातों से, उनके आश्वासन से कि आपकी जो डिमांड है स्थायी नीति बनाने की उसमें विचार करेंगे? जी सर बिल्कुल, मुख्यमंत्री साहब ने सर बड़े ही अच्छे से हमारे विचारों को सुना और उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम इसमें कुछ रास्ता आप लोगों के लिए निकाल रहे हैं, क्योंकि कई तरह के सर इश्यूज हैं कि हम आउटसोर्स में नहीं आते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं। तो बिल्कुल सर मुख्यमंत्री साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि हम बिल्कुल वे रास्ता निकाल रहे हैं और जल्दी ही हम आपके लिए कुछ करेंगे।